और रन जितना बनना चाहिए था 120-125 वो भी नहीं बना पाए, इसी कारण हमारी इस मैच में चूक गई। अगले मैच में अच्छा प्रयास करेंगे। अगले मैच के लिए हमारे जो प्लेयर आज उपस्थित नहीं थे वो उनको अगले मैच से लाया जाएगा और अच्छी रणनीति के साथ हमें अगले मैच को जीतना है, और क्योंकि इस मैच के बाद हमारा नॉकआउट मैच हो जाएगा, जैसे कि वो 4 में 4 जीते तभी हम क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो क्वालिफाई भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगले मैच से अच्छा प्रदर्शन करने का उम्मीद करता हूँ खिलाड़ियों से। इसमें हमने देखा कि आपके जो प्रारंभिक बल्लेबाजी या फर्स्ट डाउन या सेकेंड डाउन जो भी बल्लेबाज था वह काफी धीमी बल्लेबाजी की, तो उसका भी असर इस मैच में के हार में पड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल उसका असर पड़ा। जिस तरह से पावर प्ले में हमें रनों की जरूरत थी उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई हमारी टीम, और पावर प्ले में हम लोगों ने मात्र 4 ओवरों में 12 रन बनाकर 1 विकेट खोया था। जिस तरह से शुरुआत हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है रन स्कोर को बड़ा नहीं करने पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस मैच के लिए, हार्ड लक, लेकिन अगले मैच के लिए आपको जो बेस्ट ऑफ लक कि अगले मैच में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करें। साथ ही आपके जो प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि इस मैच में पहले 4 ओवर में पावर प्ले में अच्छे रन नहीं बना सके हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप अगले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करें। बहुत होगा कि वह आए। आज रन चेज करते हुए काफी आसान लक्ष्य मिला और जिसको आपके बल्लेबाजों ने बेहतरीन ढंग से पूरा किया, तो क्या फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ और सुधार की जरूरत? हम लोग का सुधार बस थोड़ा आज फील्डिंग थोड़ा खराब हुआ, इसके वजह से थोड़ा हमको नाखुश होना पड़ा, तो अगला मैच यही रहेगा कि थोड़ा हम लोग फील्डिंग अच्छा करें और थोड़ा बॉलिंग में और ध्यान दें। प्रारंभिक बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक ने अर्धशतक बनाया 54 रन 38 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि साथी बल्लेबाज चंदन जो कि 25 गेंदों का सामना कर 40 रन बनाए, तो उनसे अगले मैच में और किस प्रकार का उम्मीद रहेगा और इस मैच में उनके प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? आज का जो मैच था दोनों बल्लेबाज ने खेला बहुत अच्छा खेला, इससे मैं बहुत खुश हूँ, और अगले मैच के लिए मैं चाहता हूँ कि जैसे आज खेले इसी तरह अगले मैच में भी वो खेले, जिससे हम लोग का जो मेरे टीम का ओनर है सकलदेव सर और जो हम लोग का टीम प्लेयर है ताकि सबको खुश रख पाए। बेस्ट ऑफ लक इस मैच के लिए और आगे के मैच के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अच्छी बल्लेबाजी की, 38 गेंदों का सामना कर 54 रन बनाया और साथ ही गेंदबाजी करते हुए भी आपने 2 विकेट लिया था, क्या इसी प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद अगले मैच में भी रहेगी आपसे? जी हाँ, मैं सबको सबसे पहले यहाँ के जो कमेटी है और जितने भी प्लेयर हैं मैं उसको दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। और बात रही मैच की तो हम लोगों ने हालांकि टॉस जीत के टॉस हार के फील्डिंग मौका मिला और हम लोगों ने दूसरे विरोधी टीम को कम रन पर स्कोर पर रोक दिया, और हमारी जो बल्लेबाजी है वो थोड़ा स्ट्रांग है, इसी के चलते हम लोग जीते हैं। स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी तो नजर आ ही रहा है कि बगैर किसी नुकसान के आपने लक्ष्य तक पहुंचा, बल्लेबाजी तो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो पाई। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड पहली बार आईपीएल में खेलने का अनुभव साझा करें। यहाँ ये मेरा पहला जीपीएल है और यहाँ जो है बहुत अच्छा लगा खेल के और यहाँ खेलने में और बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक भी है, उनके द्वारा मैन ऑफ द मैच के रूप में 501 रुपये का इनाम दिया जा रहा है, और इनको हमने पिछले जीपीएल में भी देखा है कि यह काफी सपोर्टिव है, खेल के प्रति काफी डेडिकेशन है इनका, और इनका सहयोग हमें बहुत सालों से मिलता आ रहा है, और इस बार भी सर के द्वारा जो है काफी सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और खेल के प्रति जो आपकी भावना है और आपका प्यार देखकर पूरी कमेटी जो है
आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है और इसी प्रकार की उम्मीद हम अगले जीपीएल में भी करेंगे और आगे के मैचेस के लिए भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैच सुशील जी के द्वारा दिया जा रहा है। अजीज आलम जो जमुनिया संकुल के सीआरपी भी है और खेल के प्रति काफी इनका डेडिकेशन रहता है और काफी सहयोग भी हम लोगों को प्राप्त होता आ रहा है। बिक्री सीन बनाइए।